तो भाई लोग, एक पिक्चर रिलीज हुई है जिसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस और इस पिक्चर को बनाया है कुणाल खेमू ने। राइटर डायरेक्टर दोनों यही है और फिल्म देखते वक्त लगता भी है भाई कि कुणाल खेमू ने अपना जादू इस पिक्चर में चलाया है। और ये पिक्चर कुछ ऐसी है जो तुम्हें याद दिलाएगी ढोल मूवी की, गोलमाल मूवी और ऐसी कई सारी कॉमेडी मूवीज की। इस फिल्म में तुमको तीन दोस्तों की कहानी बताई जाने वाली है जो कि गोवा ट्रिप को प्लान करते हैं। और आई एम श्योर भाई कि तुमने भी तुम्हारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में गोवा की ट्रिप तो जरूर प्लान की होगी, लेकिन वो ट्रिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सब लोग गोवा की ट्रिप ही क्यों प्लान करते थे, क्योंकि मेरे भी ग्रुप में गोवा की ट्रिप बहुत बार प्लान हुई है लेकिन कभी भी वो ट्रिप पूरी नहीं हो पाई। और तुम भी ऐसी ट्रिप प्लान करके कैंसिल कर चुके हो तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। तो जैसे मेरी और आपकी भी गोवा की ट्रिप कैंसिल हो जाती थी, तो भाई उसी तरीके से इस पिक्चर के तीनों कैरेक्टर की गोवा की ट्रिप कैंसिल हो जाती है। तो जैसे ही डोडो, आयुष और प्रतीक की ट्रिप कैंसिल हो जाती है, उसके बाद भाई न्यूयॉर्क निकल जाता है आयुष और प्रतीक चला जाता है कैप टाउन, लेकिन हमारा भाई डोडो जो है वो मुंबई में ही रह जाता है। और ये समय चल रहा था 2008 या 10 के आसपास का, जब फेसबुक का जमाना था। अब जब से ये लोग अलग हुए हैं इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो भाई फेसबुक एक ऐसा जरिया था कि कांटेक्ट बना सकता था। तो प्रतीक और आयुष ने तो कभी डोडो से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पर भाई डोडो ने इनसे कांटेक्ट कर लिया, वो भी फेसबुक से। तो डोडो जब इन दोनों से बात कर रहा होता है, इनके फेसबुक के पोस्ट देख रहा होता है, तो इसे लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं, ये अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। लेकिन हमारा डोडो अभी भी मुंबई में ही पड़ा हुआ है, वो भी जॉबलेस। और ये समय वो समय है जिस जगह पे आयुष और प्रतीक जो है वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं और दोनों के दोनों सेटल हैं। तो फिर क्या भाई, डोडो जो है वो फोटोशॉप से इमेज बना के फेसबुक पे पोस्ट करता था, इसकी भी लाइफस्टाइल को एकदम ऐसी रिच वाली बताता था, लेकिन रियलिटी में डोडो था गरीब। फिर प्रतीक और आयुष जो है एक दिन प्लान बनाते है कि वो मुंबई आ रहे है और वो रुकेंगे डोडो के घर पे। अब डोडो का घर तो भाई एकदम मतलब छोटा सा घर है, अब उसमें वो कैसे रुकेंगे। तो डोडो की दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है कि हम लोग मिलेंगे लेकिन गोवा में, और अपनी बचपन की अधूरी ट्रिप को पूरा करेंगे, जो कि गोवा जाने वाली ट्रिप इनकी फेल हो गई थी। लेकिन गोवा जाने से पहले ही इनके अच्छे से लग जाते हैं, क्योंकि इनका सामना हो जाता है पैसे और गन से, फिर उसके बाद ड्रग्स से, फिर कोमड़ी गैंग से और फिर मेंडोसा से। अब ये सब क्या भसड़ है ये तुम पिक्चर में जाके देख लेना, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये गोवा जाने के लिए पहले मरे जा रहे थे, अब गोवा से वापस आने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं कि भाई गोवा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बस पिक्चर की कहानी इतनी ही थी, अब तुम पिक्चर में जाके देख लेना कि ये लोग गोवा से वापस आ पाते हैं या नहीं आते हैं। ओवरऑल बात करूं मूवी के बारे में, तो भाई मूवी एंटरटेनिंग तो है, मतलब इतनी भी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, पर एंटरटेनिंग है। एक फ्रेश स्टोरी के साथ तुम्हें वो 2010 और 15 वाला माहौल भी देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के साथ कुणाल खेमू ने एक छोटी सी कोशिश की है कि बॉलीवुड अपने ट्रैक पे आ जाए, मतलब कॉमेडी वाले ट्रैक पे। हालांकि ये कोशिश इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर पिक्चर जो है भाई वन टाइम वॉच है, तुम भाई इस पिक्चर को एक मौका दे सकते हो। पिक्चर में कई सारे सीन्स अच्छे अच्छे क्रिएट किए गए हैं। मुझे एक सीन इस पिक्चर का काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो कि कॉमेडी गैंग का जो हेडक्वार्टर होता है, जो ऑफिस होता है उनका, उसके अंदर भाई एक दीवार पे मेंडोसा गैंग के बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए होते हैं, मतलब फोटो चिपके हुए होते हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि थूकना है तो यहाँ थूको, और सब लोग उसके ऊपर थूक थूक के जा रहे होते हैं। अभी तुम्हें ये सीन सुन के एकदम अजीब लग रहा होगा, पर भाई जब पिक्चर में देखोगे ना मजा आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा सीन है लेकिन अच्छा है। तो आई होप मडगांव एक्सप्रेस मूवी को लेके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तुमको दे दी होगी। तो इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही स्क्रीन पे तुमको ये वतन मेरे वतन और वीर सावरकर जी की पिक्चर का रिव्यू दिख रहा होगा। अगर इन पिक्चरों के बारे में तुम कुछ भी जानना चाहते हो तो भाई इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game.